नमस्कार फ्रेंड्स, प्रकाश यह टैरो कार्ड रीडर अभिलाष राजन जी हैं, जिन्होंने मुझे पूछा था इनकम टैक्स के बारे में कि क्या ये इनकम टैक्स पूरी तरह से एबॉलिश होगा इंडिया से। हमारे यहाँ के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो कि अपनी बेबाक राय देने के लिए मशहूर है, और उनका ये लॉजिक है कि इनकम टैक्स पूरी तरह से अबॉलिश होना चाहिए। उसके पीछे उनके कुछ रीजंस है जो कि लॉजिकली सही भी लगते हैं, बट इतनी हिम्मत किसी गवर्नमेंट में है क्या जो ये करे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। उससे पहले प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स सजेशंस हमेशा मुझे ऐसे ही देते रहें। हाँ, तो क्या पूरी तरह से अबॉलिश होगा स्ट्रेंथ कार्ड? होगा तो ज़रूर। तो कब तक होगा? क्या 2030 तक होगा? उससे पहले, 2030 से पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स या 2035 तक, साल 2035 तक किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी सी किंग ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो वेरी गुड फाइनेंशियल एडवाइजर, सो इट इज मोर लाइकली दैट बिटवीन ईयर 2030 एंड 2035 इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस मिनिस्टर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री मिलेगा। ये जो राजा दिखता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला है, कड़क डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला व्यक्ति, और ऐसा कोई व्यक्ति भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा जो कि बिंदास होके, जैसे मोदी जी डिसीजंस लेते हैं वैसे डिसीजंस लेने वाला व्यक्ति भारत देश का प्रधानमंत्री होगा, और उसी समय ये होने की संभावना है पूरी तरह से एबॉलिश। उसके पहले पूरी तरह से एबॉलिश नहीं होगा, बट यस, यानी कुछ न कुछ गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, या इनकम टैक्स की स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट्स वगैरह काफी बढ़ा दी जाएंगी। सो फर्स्ट पार्ट इज इट विल गेट एबॉलिश्ड बिटवीन ईयर 2030 एंड ईयर 2035, एंड समवन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हु विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग डिसीजंस, ही विल टेक सच डिसीजंस, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अभी मैंने वो भी चेक किया कि उस समय प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, वो मैं सबसे बाद में आऊँगा, सबसे लास्ट में मैं वो आपको बताऊँगा कि किसकी सरकार रहेगी और प्रधानमंत्री कौन रहेंगे उस समय। अब बात आती है, चलो 2030 से 2035 में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, सॉरी इनकम टैक्स एबॉलिश होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जाएगी? सबसे पहला कार्ड, क्या 10 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट होगी 2030 तक? तो यस। पंद्रह लाख और 20 लाख तो पॉसिबल नहीं है 2030 तक। जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट जो है इनकम टैक्स की, वो बढ़ते बढ़ते 2030 तक 10 लाख तो हो जाएगी, उसके आगे हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को, जैसे लेडीज हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी और बढ़ा के दी जाए, बट 20 लाख तक पॉसिबल नहीं होगा। अब बात आती है कि उस समय सरकार किसकी रहेगी और प्रधानमंत्री कौन रहेंगे। उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री रहेंगे योगी आदित्यनाथ, 2030 से लेकर 2035 के दरमियान, जब
ये सब काम शुरू होगा उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री रहेंगे योगी आदित्यनाथ। अब स्वाभाविक है बीजेपी की सरकार रहेगी उस समय। दैट्स इट, अभी इससे आगे और इसमें कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। तो थैंक यू, अपने कमेंट सजेशन ज़रूर दीजिएगा।